हैं चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और आज है सरस्वती पूजा और आज मिष्टू सुबह सुबह मिष्टू और मैं एकदम मतलब मैं तो कुछ रेडी नहीं हुई हूँ और आज मैं साड़ी भी नहीं पहन पाई हड़बड़ी पे। तो आज सरस्वती पूजा है 16 फरवरी और आज ये वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और पूजा हमारा हो गया है और अनिरुद्ध ऑफिस भी चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके लंच लेके। तो मिष्टू ने ये कुर्ता पहना था विथ ब्लैक लेगिंग्स। तो हर साल मिष्टू साड़ी पहनती है या तो मैं तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन मिष्टू का जो साड़ी है वो भी छोटा हो गया है और मैं टाइम के लिए पहन नहीं पाई, टाइम कम था। दो रीज़न था, अनिरुद्ध ऑफिस जाना था और टाइम बहुत कम था, मतलब जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ा। और सेकेंड रीज़न था ये, मतलब घर का हालत। तो घर का हालत ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कल से मतलब मंडे से हमारे घर पे कुछ काम चल रहा है। हम थोड़ा बेडरूम मेकओवर कर रहे हैं, जो कि मैं धीरे धीरे आपके साथ दूसरे वीडियोस पे शेयर करूँगी। तो पूरा घर मेस है अभी। कल उस रूम पे तो हम रात को सो ही नहीं पा रहे, हम तो ये रूम यूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी हमारा ठिकाना यही रूम हो गया है। मिष्टू का क्लास मतलब बेड भी खोल दिया है, रात को हम यहीं पर सो रहे हैं। अच्छा वो मेरा रूम था। तो वही हालत है, हालत बहुत बुरा है रूम का, पूरा घर का एकदम मेस है। वो लोग हॉल पे काम कर रहे हैं, बेडरूम पे काम कर रहे हैं, कटिंग शटिंग कुछ भी, फिर धूल धूल चारों ओर। मुझे पानी पीना, पानी पीना। स्टडी टेबल ऊपर मिष्टू यहीं पे बैठ के क्लास कर रही थी, क्योंकि कल भी मिष्टू यहीं पे बैठ के यहाँ पर टेबल पे क्लास की है, बेड के ऊपर टेबल रख के क्लास। और इधर टेबल, उधर टेबल, चेयर, लैपटॉप बैग्स, तो पूरा घर मेस है। मैं हॉल का हालत दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। रात को हम बस सब कुछ नीचे उतार के ऐसे सो गए तीनों। और ये बेड काफ़ी बड़ा है खोलने के बाद, तो हम तीनों आराम से इसमें सो सकते हैं। तो वही है, चलिए वीडियो कहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग काम करने आ गए हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। और हमारा पूजा अच्छे से हो गया है और यह है हमारा छोटा सा सरस्वती फोटो। मैं फ़ोटो से करती हूँ हर साल पूजा। अभी आवाज़ आ रहा होगा आपको। लंच मैंने एक साथ ही अनिरुद्ध के लिए बना लिया है, क्योंकि मतलब साथ खिचड़ी, क्योंकि उन लोग काम करेंगे, मुझे थोड़ा देखना है, आना है, जाना है, उतना टाइम नहीं मिलेगा। और आज खिचड़ी के साथ सिंपल बैगन भाजा और एक सब्जी, बस और कुछ नहीं। और खिचड़ी में मैंने बड़े बड़े आलू, ग्रीन पीस और ब्रोकली डाला है, फूल गोभी की जगह ब्रोकली। चलिए वीडियो को इसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और क्योंकि उन लोगों को चाय पीना है तो वही है। कल इवनिंग पे भी मैं दी थी चाय बना के, तो अभी वो मुझे बोल रहे प्लीज़ तुम मुझे बोल रहे थोड़ा चाय मिलेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सुबह से आके काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। और अभी बहुत लेट भी हो गया है, आपसे मैं बहुत पहले बात की थी, अभी बहुत टाइम हो गया है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, शाम को भी मैं जब चाय पी रही थी तब उनको मैंने दिया था, तो इसलिए उन्होंने फिर से मांगा। तो चाय बना रही हूँ और अभी मिष्टू तो वहीं बैठी है, तो ऐसे ग्लासेस मेरे पास रहते ही हैं, सिर्फ ऐसे ग्लासेस की पेपर प्लेट्स, पेपर बड़े ग्लासेस कोल्ड ड्रिंक्स के, क्योंकि हम लोग बहुत इधर उधर पहले जाते थे ना, तो ऐसे ग्लासेस हम लोग खरीद के रखते थे, कॉफ़ी कुछ हम बना के लेके गए कहीं पे, तो इसी ग्लास में मैं उन लोगों को दे रही हूँ। और मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ, क्योंकि होता है चाय एक ऐसा चीज़ है कि आप किसी के लिए बनाओ तो लगता है मैं भी थोड़ा सा पी लूँ। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मिष्टू, तो मिष्टू ने अभी जो सलवार सुबह पहना था वो खोला थोड़ी देर पहले। और ये देखिए सोफ़ा सब ढका हुआ है बेडशीट से और यहाँ पे काम चल रहा है। मिष्टू भी कार्टून देख रही है, बेचारी हिल नहीं पा रही है। Thank you.
बजे की टाइम 5:40 5:50 छः बजने में 10 मिनट बाकी है और ये है हालत बुड्ढी के बाल और ये है बुड्ढी के बाल खा लो वो पिंक कलर का होता है ये ब्लैक कलर का और यहीं से दिख रहा है बेडरूम और अम्मा बेटी ऐसे सोफे पे बैठे हैं वो देखो ब्लैक सॉल्ट व्हाइट सॉल्ट जो आज मैं रात में खाने में विष्टु को दूंगी नहीं तुम और आज हमने लंच कैसे किया हड़बड़ी में इसलिए मैं लंच दिखा भी नहीं पा मुझे याद भी नहीं था कि मुझे दिखाना था कि मैंने आज लंच में खिचड़ी पे क्या दिया है बोलो फूलगोभी के जगह ब्रोकली ब्रोकली आलू मटर शुट्टी निकल के एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे डॉक्टर ही लिखा है अवे फिर है लिखो तुम मुझे क्या पता और अभी हो गया है इवनिंग पूरा अंधेरा और मिष्ठू खा रही है क्रीम रोल मिल्कमेड के फैक्ट्री आउटलेट से लाए थे कैसा है क्रीम रोल मिल्क क्रीम रोल मीठा ही होता है मिष्ठू सबको अच्छा पता नहीं चॉकलेट फ्लेवर है ना अच्छा। इसीलिए पूछा तुम्हारे दांत भी ब्राउन हो गए खा लो सच बोलो और ये है मिष्ठू का रूम बिखरा पड़ा यहाँ टेबल के ऊपर कुछ कपड़े यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ट्रॉली बैग यहाँ पे सब गुड्डा गुड्डी और वहाँ के पूजा के जो बर्तन थे वो मैंने धो के यहाँ रखे हैं और ये हमारी सरस्वती माता अभी दिया जलाना है आरती करना है तो ये है पूरा रूम का हालत और ये है मिष्टू अब वो दिखाओ ये है मिकी मिनी मिनी किकी तो फाइनली वो आज के लिए मतलब आज का काम खत्म हुआ आज तक का काम और जस्ट फ्लोर वो सब वो झाड़ू लगा के गए थे लेकिन उनका झाड़ू लगाना तो पता ही है ऐसे लगा के गए फिर मैंने फाइनली पूरा झाड़ू लगाया पूरे हॉल को और जस्ट एक तरफ का बेडशीट हटाया मैं मिष्टू को बोली वैसे ही रहने दो कल फिर आएंगे तो उसी को फिर हम कवर कर देंगे तो फाइनली गए हैं और अभी बज गए हैं 8 लगभग 7 बजे आज शावर ली थी मॉर्निंग के पूजा करना था इसीलिए और फिर तो मैंने कुछ मतलब जैसे कल बिंदी था वैसे ही बिंदी जैसे बाल भी शायद कंघी ने किया होगा मुझे याद भी नहीं है और थोड़ा सिंदूर लगाया था नहाने के बाद तो टाइम ही नहीं मिला तो मिष्टू को मैं वही बोली फ्रॉम 8 मार्च मिष्टू का जो है फाइनल एग्ज़ाम है तो उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनको लिखना है एग्ज़ाम लिख के फिर पेपर जो आंसर शीट है वो जाके हम पेरेंट्स को सबमिट करना है स्कूल पे तो बड़े क्वेश्चन से बड़े आंसर है याद करना है तो मिष्टू को मैं वही बोली थोड़ा पढ़ो क्योंकि टाइम कम है फिर फेस अच्छे से वॉश करूँगी उसके बाद मैं ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिठाया है राइस क्योंकि दोपहर को हम खिचड़ी खाए थे लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैंने क्या कैसे खिचड़ी बनाया है हम कैसे सरस्वती पूजा के दिन हम कैसे खिचड़ी फिर बैगन भाजा ये सब खाते हैं और लेकिन वो मतलब जो काम कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप लोग जल्दी जल्दी खा लो मैं सोची वो लंच आवर में घर जाएंगे कल भी गए थे मतलब खाने के लिए तो आज भी जाएंगे तो उस टाइम पे मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी हम खा रहे हैं मैं क्या बनाई हूँ आज हमारा सरस्वती पूजा स्पेशल लंच तो हम आज तो मैं बोली आप लोग जब जाएंगे अब हम तब खाएंगे बोले नहीं आज हम लंच लेके ही आए हैं आज हम नहीं जाने वाले हैं तो मतलब आप लोग खा लीजिए हमको हॉल पे काम करना है तो फटाफट मैं और मिष्टू मतलब जस्ट मैंने प्लेट पे लिया जस्ट बैंगन फ्राई किया मतलब तब ध्यान में ही नहीं था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैंने क्या बनाया तो अभी मैंने राइस बिठाया है और मिष्टू को मैंने पूछा मिष्टू क्या बनाऊँ तो मिष्टू ने मुझे सजेस्ट किया बहुत अच्छा एक बंगाली खाना जो हर बंगाली का बहुत ही फेवरेट है भात दाल और आलू सेद्ध घी अभी मैं दाल और फ्रेश होके ड्रेस चेंज करके दाल और आलू चोखा बनाऊंगी मैं दाल वाल बिठा देती हूँ फिर अनिरुद्ध भी ऑफिस से नहीं आया अभी तक लेट होगा उनको शायद आएंगे तो आज हमारा बहुत ही सिंपल खाना होगा डिनर चलिए मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ है
करने के बाद आलू श्री दो घी दाल भात डिनर करके आज हम शांति से, और हमारे यहाँ पे फुल्ली समर आ गया है, अभी फैन चलाया है हमने, और आज तो हमारा शिफ्टिंग हुआ है उस रूम से इस रूम, आज नहीं कल, तो कल भी हम इसी रूम पे सोए थे। अनुरोध अभी कार्टून देख रहे हैं, बोलने वाली थी न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं बोलने वाली थी अनुरोध अभी कार्टून देख रहे हैं, वो मिष्टू कार्टून देख रही है, मिष्टू कार्टून देख रही है बोल बोल के मुझे आदत हो गया है। अरे मुझे नींद नहीं आ रहा है क्योंकि एक फिक्स टाइम हो गया है, वो मतलब उसी टाइम पे नींद आता है, तो नींद तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। और आज मैंने बांधी है चोटी बिनुनी, बहुत गर्मी है और मैंने बांधी है रोटी तो कभी कभी ऐसा खाना भी अच्छा लगता है। तो आज का तो सुबह जब बहुत जल्दी भी उठी थी, फिर एक के बाद एक सब करते करते और सारा दिन वही एक जगह पे वैसे बैठ के देखते देखते थोड़ा टायर्ड हो गई हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी आँखों से लग रहा होगा, नींद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसे लेट ही रहूँ। और मिष्टू भी सुबह सुबह जल्दी उठी है पूजा करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, पता नहीं ये वीडियो कैसा बनेगा, मतलब क्या क्या मतलब उतना कुछ सिक्वेंसली नहीं होगा, इतना सुबह थोड़ा, दोपहर को थोड़ा, शाम को थोड़ा, रात को थोड़ा, ऐसा ऐसा आएगा, तो पता नहीं कैसा रहेगा ये वीडियो। तो जैसा भी हो, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर देख रहे हैं मेरे चैनल, पसंद कर रहे हैं हमको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्या काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, कैसे मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं एक अच्छे से वीडियो पे आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।